लिए अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत के पास चलते हैं। अजीत, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। देखिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में 15 से ज्यादा सीटों पर, मेयर की सीटों पर बीजेपी आगे चल रही, नगर पंचायत नगर पालिकाओं में चल रही। हमारे साथ पूर्व मंत्री और संगठन के बड़े नेता एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह है। सर, क्या ऐसा आप लोग करते हैं कि परिणाम बदल जाता है हर बार और अखिलेश यादव आरोप लगाने लगते हैं कि ईवीएम बदल गया और बैलेट पेपर बदल गया? देखिए, उत्तर प्रदेश बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत भरोसा है जनता का मोदी और योगी के ऊपर। जिस तरीके से मोदी जी का मार्गदर्शन है और योगी जी का प्रयास है, उत्तर प्रदेश में चतुर्दिक विकास हो रहा है और जनता विकास चाहती है। और इसलिए जो सुशासन और चतुर्दिक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश ने, उसी का परिणाम है कि आज सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। संगठन और सरकार का दोनों का तालमेल, और संगठन अनवरत जो काम करता रहता है, हमारे यहाँ बूथ प्रबंधन से लेकर के ऊपर तक के पूरे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम करते हैं, और सरकार और संगठन का जो समन्वय है वो बहुत अभूतपूर्व है। सहारनपुर और मेरठ में जबरदस्त टक्कर दिख रही है। देखिए, अभी टक्कर दिख रही है, आगे हम लोग वहां पर भी जीतेंगे। 17 की 17 नगर निगम हम जीतेंगे, और आप देखिएगा कि जो 200 नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका परिषद है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सभी पंचायतों में, नगर पालिका परिषद में और नगर निगम में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी।